Hello everyone, I am Gulan Abi, director of Global Spoken English. आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ want का प्रयोग. Want का यूज तीन जगह पर प्रयोग होता है. यदि आपको इन तीनों में से कोई एक जगह भी नहीं पता है तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा. चलिए पहला यूज मैं आपको बताता हूँ want का, कि अगर आप ये कहें कि मुझे 10 रुपया चाहिए या मैं 10 रुपया चाहता हूँ, इसको आप कैसे कहेंगे? मुझे 5 किलो आम चाहिए या उसे 5 किलो आम चाहिए, इसको आप कैसे कहेंगे? अगर आपने कहा मुझे पैसे चाहिए, पापा के पास में गए तो आपने कहा पापा आई वांट मनी, यहां पर आपका रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट रहेगा. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा तो वांट्स कहेंगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल रहेगा तो आप सिर्फ वांट कहेंगे, एस नहीं लगेंगे. और फिर वो चीज यानी आदर्श में आपका आ जाएगा, जो चाहिए वो हो जाएगा. जैसे आपने कहा कि आई वांट मनी, मुझे पैसे चाहिए या मैं पैसे चाहता हूं, दो तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं. मुझे नए कपड़े चाहिए, आई वांट न्यू क्लोथ्स. मुझे जूते चाहिए, आई वांट शूज. मुझे मोजे चाहिए, आई वांट सॉक्स. उसे पैसे चाहिए या वो पैसा चाहता है, he wants money. उसे नए कपड़े चाहिए या फिर वो नया कपड़ा चाहता है, आप कहेंगे he wants clothes. क्योंकि he सिंगुलर है इसलिए आपने s लगाया. अगर यही चीज आपका निगेटिव हो जाएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट में does not want कहेंगे और फिर सब्जेक्ट हो जाएगा तो do not want कहेंगे. जैसे हमने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, I don't want money. मुझे आम नहीं चाहिए, I don't want mango. तो I don't want कहने के बाद उसका आप नाम ले लेंगे और आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा. उसे पैसा नहीं चाहिए, आप कहेंगे he does not want money. तो हिंदी दो तरीके से, उसे पैसे नहीं चाहिए या वो पैसे नहीं चाहता है, दोनों का मान एक हो जाएगा. यहां पर शुड का वर्ड आपका यूज नहीं होगा, वो दूसरी जगह वहां सलाह के लिए होता है, दूसरा ग्रामर सेपरेट उसका बनाया गया. दूसरा ग्रामर अब बताता हूं कि वांट का कहां पर प्रयोग होता है. दोस्तों अगर वाक्य अंत में चाहता है, चाहती है, चाहते हैं आए तो वहां पर आप वांट का प्रयोग करने वाले हैं. हिंदी के कुछ एग्जाम्पल से पहले समझते हैं. जैसे आपने कहा कि गुलाम नबी सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूं. वो आपसे मिलना चाहता, वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, इस तरह की बात अगर कहना है तो हम कैसे सीखेंगे? इस दूसरे तरीका को मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं. इस ग्रामर को हम डिजायर भी कहते हैं, इच्छा कहते हैं, कि डिजायर का माना ख्वाहिश होता है, इच्छा होता है, इसमें आपका डिजायर निकल करके आ रहा है दोस्तों. सो आपका रूल क्या हो जाएगा? अगर मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊं तो इसका रूल कंप्लीटली 100% प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की तरह है. अभी आप देखिएगा और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मैच करके देखिए, कोई डिफरेंस नहीं. अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में वांट्स हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वांट हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म यानी रहेगा, उसके बाद में टू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहेंगे प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. जैसे मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, आई वांट टू प्ले क्रिकेट. हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वी वांट टू प्ले क्रिकेट. वो क्रिकेट खेलना चाहता है, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट. आपने क्या देखा कि मैं चाहता हूं तो आई वांट हमने कहा, टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस की तरह ही ग्रामर होने वाला है, 1% भी अलग नहीं. ये वांट का माना, वांट का वर्ड आ जाने से एक आपका बहुत ही अच्छा सुनहरा माना लेकर के आ रहा है, जो हर दिन हमारे बातचीत में प्रयोग होने वाला है. तो जैसे हमने कहा, अगर मैं इसको टुकड़े में बात करूं तो आप इसको स्पीकिंग में या रिटन में इस तरह आसान कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं तो हो जाएगा आई वांट. आप मेरे साथ में रिपीट कर लीजिएगा, यह आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. मैं चाहता हूं का आई वांट, आप चाहते हैं यू वांट, हम चाहते हैं वी वांट, वे चाहते हैं दे वांट,
राजू और राधा चाहते हैं, राजू एंड राधा वांट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा ही वांट्स, या लड़की है कोई तो शी वांट्स, कोई एक लड़का है तो राजू वांट्स, कोई एक लड़की है तो सीता वांट्स। अब क्या करना है, अब हमको बात आगे बढ़ाना है। अब देखिएगा जो आपने कहा है सिप टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहना है। जैसे आपने कहा मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, हो जाएगा आई वांट टू लर्न इंग्लिश। आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, यू वांट टू लर्न इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, वी वांट टू लर्न इंग्लिश। वे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, दे वांट टू लर्न इंग्लिश। राजू एंड राधा अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, राजू एंड राधा वांट टू लर्न इंग्लिश। वो अंग्रेजी सीखना चाहता है, he wants to learn English. वो अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता है, he does not want to learn English. देखा आपने कितने आसान तरीके से, कितने आसान तरीके से आप पूरे ग्रामर को बहुत ही आसान तरीके से करने वाले। इस तरह से मैं और कुछ बात कहूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, I want to meet you. इसको शॉर्ट में want to कहा जाएगा, I wanna meet you. क्या बोलेंगे, I wanna meet you. मैं बाजार जाना चाहता हूं, आई वाना गो मार्केट। मैं आपसे मिलना चाहता हूं तो आपने कहा आई वाना मीट यू। मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं, आई वाना हेल्प यू। तो वांट टू को आप वाना कहने वाले। मैं खाना पकाना चाहता हूं, आई वाना कुक द फूड। मैं आपको पार्टी देना चाहता हूं, आई वाना गिव यू पार्टी। मैं YouTube चैनल देखना चाहता हूँ, I wanna watch YouTube चैनल। गुलाम नबी सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, I wanna meet गुलाम नबी सर। तो आपने इसका प्रयोग देखा अफर्मेटिव का। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव में कहना है, सब्जेक्ट आप लेकर के आएंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा तो आप डज नॉट कहेंगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप कहेंगे डू नॉट। उसके बाद में वांट कहेंगे, फिर टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता हूं, आई डू नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हूं, आई डू नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, यू डू नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, दे डू नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। सिंगुलर का एग्जांपल, वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है, ही डस नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहती है, शी डस नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। इसको आप शॉर्ट में कैसे कहेंगे, जैसे कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता हूं तो हम इंग्लिश में कहते हैं आई डू नॉट वांट टू मीट यू। इसको शॉर्ट में कहेंगे आई डोंट वांट टू मीट यू। मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू गो देयर। तो मुझे उम्मीद है ये चीज भी आपके लिए क्लियर हो गया होगा। चलिए हम इंट्रोगेटिव को समझते हैं। हर एक ग्रामर को, कोई भी ग्रामर को आप समझते हैं, अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होता है तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं। डस रखेंगे अगर सिंगुलर है और डू रखेंगे अगर प्लूरल है। सब्जेक्ट के बाद में फिर आपका नॉट लगाना है और उसके बाद में वांट हो जाएगा और फिर डू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे क्या वो इंग्लिश सीखना चाहता है, डज ही वांट टू लर्न इंग्लिश। क्या अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता है, डज ही नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। क्या वे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, Do they want to learn English? तो क्या वे अंग्रेजी नहीं सीखना चाहते हैं, Do they not want to learn English? वो तुमसे कब मिलना चाहता है, When does he want to meet you? या When does he wanna meet you? वो तुमसे कब नहीं मिलना चाहता है, When does he not wanna meet you? इस तरह से आप इस सेंटेंस को छह तरीके से कह लेंगे। अब आपको मैं एक आखिरी तरीका सिखाना चाहता हूँ। इसमें अभी तक जो हम सीख रहे थे डिजायर इच्छा हमारे लिए थी कि मैं ये काम करना चाहता हूं, अब डिजायर हमारा किसी दूसरे के लिए हो जाए। जैसे कि मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश सीखें, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई वांट यू टू लर्न इंग्लिश। मैं चाहता हूं कि वो अंग्रेजी सीखे, आई वांट हिम टू लर्न इंग्लिश। इसका स्ट्रक्चर रूल क्या हो जाएगा, आप पहले रूल देखिएगा। सब्जेक्ट हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट में वांट्स कहेंगे, अगर प्लूरल है तो सिर्फ वांट कहेंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखेंगे। क्या रखेंगे, फर्क इसमें है कि यहां पर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे वांट के बाद में, और फिर टू लगा के आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहेंगे और फिर आप ऑब्जेक्ट कहेंगे।
यानी इसमें दो ऑब्जेक्ट हो रहा है, पहला ऑब्जेक्ट जो आपका रहा है कोई इंसान है और फिर लास्ट वाला ऑब्जेक्ट हो रहा है अब कोई चीज आ रही है। जैसे मैंने कहा मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी सीखो, इसमें डिजायर मुझे नहीं सीखना है लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप सीखें, आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश। आपने कहा मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, आप कैसे कहेंगे माई फादर वॉन्ट्स मी टू बिकम अ डॉक्टर। मेरे पिता चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं, जैसे आप कहीं कहें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आपने कहा मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं, तो आपने कहा माई फादर वॉन्ट्स मी टू गो देयर। इस तरह से आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। हमने कहा कि मैं चाहता हूं कि वे क्रिकेट खेलें, कुछ बच्चे हैं वो नहीं खेलना चाहते, उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि वे क्रिकेट खेलें, आई वॉन्ट दे टू प्ले क्रिकेट। अगर सेंटेंस को आपको नेगेटिव कहना है तो आपका स्ट्रक्चर इस तरह हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में डस नॉट वॉन्ट टू कहेंगे या फिर डू नॉट वॉन्ट टू कहेंगे, यानी सब्जेक्ट आएगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप डस नॉट कहेंगे, प्लूरल है तो डू नॉट कहेंगे, फिर वांट, सॉरी डस नॉट या डू नॉट के बाद में आप क्या कहने वाले हैं वांट, और वांट के बाद में आप ऑब्जेक्ट लेकर क्या रहेंगे, ऑब्जेक्ट वो इंसान वो पर्सन वो व्यक्ति हो जाएगा, उसके बाद में डू कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आपके पिताजी ने आपसे कहा कि बेटा मैं नहीं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो, तो अगर मुझे सेंटेंस कहने मैं नहीं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो, आई डोंट वॉन्ट यू टू बिकम अ डॉक्टर, मैं नहीं चाहता हूं कि आप चोरी करें या मैं नहीं चाहता कि तुम चोरी करो, एक ही बात, आई डोंट वॉन्ट यू टू स्टील द मनी, आप किसी मैटर में झूठ बोलने वाले और उस बात के लिए आप रेडी हैं, देखिए लेकिन मेरा इच्छा है, मेरा कहना है कि देखिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप झूठ बोलें, I don't want you to tell a lie. मैं नहीं चाहता हूं कि वो झगड़ा करे, वो फाइट करे. I don't want him to fight. मैं नहीं चाहता हूं कि तुम क्लास छोड़ो. I don't want you to bunk the class. तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपके लिए बहुत क्लियर हो रहा होगा, इसको आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहां पर क्या है आपका कि वांट के बाद में तुरंत ऑब्जेक्ट उस इंसान को लेकर के आना है और आपके लिए एकदम क्लियर। आप अगर इंट्रोगेटिव करना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आएंगे जिस तरह बाकी ग्रामर में लाया जाता है। एक सेंटेंस में आपको एक अच्छे तरीके से कर देता हूं, जैसे वो चाहता है कि आप डॉक्टर बने, ही वॉन्ट्स यू टू बिकम अ डॉक्टर, वो नहीं चाहता कि आप एक डॉक्टर बने, He does not want you to become a doctor. क्या वो चाहता है कि आप डॉक्टर बने? Does he want you to become a doctor? क्या वो नहीं चाहता कि आप एक डॉक्टर बने? Does not want you to become a doctor? वो क्यों चाहता है कि आप एक डॉक्टर बने? Why does he want you to become a doctor? वो क्यों नहीं चाहता कि आप एक डॉक्टर बने? Why does he not want you to become a doctor? मुझे लास्ट चीज है और उसके साथ में मैं खत्म करूंगा एक आपसे रिक्वेस्ट के साथ में कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको कुछ नया मिला हो, कुछ सीख मिली हो, अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो मैं क्या चाहता हूं आपसे कि आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, आई वॉन्ट यू कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज, मैं चाहता हूँ आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। तो कैसे कहेंगे? मैं चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, आई वॉन्ट यू टू लाइक माई वीडियो, मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो को आप शेयर करें, आई वॉन्ट यू टू शेयर माई वीडियो। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।